हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बताएंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में स्वीडन में हुआ था। UNEP जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी। अगर आपसे पूछा जाए कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी में है, जो कि कहाँ पे है, केन्या में। तो आपको बताना है UNEP जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि कहाँ पे है, केन्या में। और स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था। और इसमें ही क्या किया गया था, प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, उसमें ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपने क्या पढ़ा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में स्वीडन में हुआ था। UNEP जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म। और मुख्यालय इसका है नैरोबी, केन्या। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन। तो 1992 में ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, इस दिन क्या हुआ था, 22 मार्च को जल दिवस मनाने का फैसला हुआ था। जो जल दिवस था उसको मनाने का फैसला पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसमें ही एजेंडा 21 की बात की गई थी। एजेंडा 21 की बात किसमें की गई थी? पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। और पहला विश्व जल दिवस जो था वो 1993 में मनाया गया था। पहला विश्व जल दिवस था वो 1993 में मनाया गया था। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1994 मनाया गया था। पहला विश्व जल दिवस 1993 मनाया गया था। तो एजेंडा 21 की बात किसमें हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। और ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील मनाया गया था। और 22 मार्च को जल दिवस मनाने का निर्णय इसमें ही लिया गया था। नेक्स्ट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता? कनाडा में हुआ था, 1987 को कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, 1987 में हुआ था। तो 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। और इसी दिन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है वो मनाया गया था। आपसे पूछा जाए ओजोन से रिलेटेड कौन सा समझौता प्रथम था, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था वो मॉन्ट्रियल समझौता था। कौन था? मॉन्ट्रियल समझौता था, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था, 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया गया था। इसी दिन से ओजोन दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन। तो क्या था, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है वो इस सम्मेलन किया गया था। तो सम्मेलन जो पहला था वियना सम्मेलन था, और समझौता था मॉन्ट्रियल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ओजोन क्षरण से संबंधित कौन कौन से हैं, तो मॉन्ट्रियल समझौता और वियना सम्मेलन। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। और 1985 में सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 में हुआ था, जो कि कहाँ पे है, कनाडा में है। और इस दिन से ही क्या मनाया गया था, ओजोन दिवस मनाया गया था। वियना सम्मेलन था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1985 में, और ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए यह पहला सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कब था, 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल इसके बाद आया था 1987 में। और इस प्रोटोकॉल में कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन हुआ। इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन व्यापार संकल्पना से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन व्यापार संकल्पना संबंधित है। और ओजोन क्षरण से कौन सा संबंधित है, मॉन्ट्रियल समझौता और वियना सम्मेलन जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है। और कार्बन व्यापार से कौन संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कब आया था, 1987 में। नेक्स्ट है नीरी। क्या है नीरी? NEERI। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च। नेशनल इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च जो कि कहाँ पे है, नागपुर में है। नीरी जो है वो नागपुर में है, नीरी से एन से याद कर लें नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, नीदरलैंड, जो कि कहाँ पे है, एमस्टर्डम में। कहाँ पे है, एमस्टर्डम में। 1971 इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड। नेक्स्ट है WHO मुख्यालय। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ग्रीन पीस का नीदरलैंड एमस्टर्डम में है, ठीक है, एमस्टर्डम। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमने कौन से दो पढ़े, एक WHO का पढ़ा और एक विश्व मौसम विज्ञान का पढ़ा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मौसम विज्ञान का पूछेंगे तो भी जिनेवा बताएंगे, और WHO को पूछेंगे तो भी जिनेवा। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित दो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 का और 51 का को जोड़ा गया था। पर्यावरण से संबंधित दो अनुच्छेद हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 का 51 का को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 41 का है 48 का है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आइए जानते हैं जो अनुच्छेद 48 का है उसके अनुसार क्या था। तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा उस संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 48 का में राज्य को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वह जो है वो क्या करे, पर्यावरण संरक्षण करे और उसका संवर्धन करे और सबकी रक्षा का प्रयास करे। तो 48 का में राज्यों की जिम्मेदारी थी, और जो 51 का था उसमें भारतीयों की जिम्मेदारी थी कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और सब पर दया करे। तो 48 का जो है वो राज्यों से संबंधित है, और 51 का जो है वो किससे संबंधित है, 51 का जो है वो भारतीयों संबंधित है। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील वन्य जीव है उनका संवर्धन करे। तो याद रखिएगा ये 42वें संविधान संशोधन के कारण हुआ था, और 48 का जो है वो राज्यों से संबंधित है कि राज्य रक्षा करेगा, और 51 का जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। तो पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। इसके जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर क्वेश्चन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दे देते हैं तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर जनक पूछेगा में अगर दोनों देते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा लगाएंगे। ए व बी बोलते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट लगा देंगे, लेकिन इसके जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है अपिको आंदोलन। कर्नाटक में चिपको आंदोलन को ही अपिको आंदोलन कहा गया, और अपिको आंदोलन के जो जनक थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था, और इनके साथ में अरुंधती राय और बाबा आमटे भी सम्मिलित थे। जैव विविधता को बचाने से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो, जैव विविधता से संबंधित है। अगर वन के बारे में पूछा जाए कि वनों के संरक्षण से कौन सा संबंधित है, तो चिपको आंदोलन और अपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है, वनों की कटाई को रोकने से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो जैव विविधता से संबंधित है, और इसमें मेधा पाटेकर इसके नेतृत्व में थी, और अरुंधती राय और बाबा आमटे भी इसमें सम्मिलित थे, और यह 1985 में हुआ था। अपिको आंदोलन जो था उसके जनक कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन जो था वो 1995 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, और कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था। मैत्री आंदोलन 1995 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में दो हुए थे, चिपको आंदोलन और मैत्री आंदोलन। इसके चिपको आंदोलन के कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, और मैत्री आंदोलन के कौन थे, कल्याण सिंह रावत। तो इस तरह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन यहाँ पे खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कराऊंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।